परिजन सिंह पर भरोसा है? भरोसा है, एकदम भरोसा है। हाँ भरोसा है। जो लोग कहते हैं कि गुंजन सिंह आया है चुनाव के लिए आया, कुछ लोग कहते हैं ना, तो मेरे पीछे पीछे आके 1,00,000 रुपया देना। 1,00,000 सौंपे हैं, उसके बाद में घर में कहे कि हम जरूर मदद करेंगे, उसके बाद में स्मारक है कि हम बनवाएंगे। भाई की तरह गुंजन सिंह आपके साथ खड़ा रह सकते हैं? हाँ रह सकते हैं। देखिए इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं और उसी घर में मौजूद हैं जिनके घर पर कहीं ना कहीं मातम पसरा है। देश के वीर जवान सपूत चंदन सिंह के घर पर हैं। पहले तस्वीरें देखिए, ये चंदन सिंह जी का घर है जिन्होंने अपने जान को निछावर किया। देखिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, 60,000 रुपया जो है ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन 60,000 रुपया इन्होंने किया है और 40,000 रुपया जो है वो कैश दिया है। यानी गुंजन सिंह ने अपने उस वादे को पूरा किया जो यहाँ आने से पहले कह रहे थे 1,40,000 हम दे देंगे, 1,00,000 दे दिए। हम जो कहते करते ऐसे हम कहीं फोटो खिंचवाने नहीं जाते हैं। हाँ कि हम गए तो कुछ मदद होना चाहिए, जो आर्थिक जरूरत है और हम अपने परिवार के बीच में आए हैं। कौन है? तो मेरा ये कर्तव्य बनता है और इतना ही नहीं आगे भी करेंगे। हाँ। और स्मारक भी बनाएंगे। ये 1,00,000 से क्या होगा, आपको क्या लगता है? सरकार की नींद अब तक सरकार चैन से सोई हुई है, इसे 1,00,000 से कुछ होना है? लेकिन एक तो है, जो लोग कहते हैं कि गुंजन सिंह आया है चुनाव के लिए आया, कुछ लोग कहते हैं ना, तो मेरे पीछे पीछे आके 1,00,000 रुपया देना, जितना बनता है हीरो, जितना नेता लोग मेरे पे कटाक्ष करते हैं उनको मैं कहता हूँ आके पीछे पीछे हम आ गए, आप भी आइए दीजिए 1,00,000 रुपया आके। कैसे घर बात तुरंत नहीं बनता है, क्या हो, बोलने से थोड़ी होगा। खाली तो बोल रहे हैं, बोल दिए गुंजन सिंह। अरे गुंजन सिंह कितना लाख लगा दिया, कोई नेता हो, कोई ये नहीं मंत्री नहीं है अभी, अपना कमाया हुआ पैसा लगाते हैं और उन लोगों को तो फंड का लगाना है, तब वो नहीं होता है। आपने इस घर को देखा गुंजन सिंह जी, किस तरीके से जो घर जो है अपनी मिट्टी का है? देख ही रहे, देख करके तो मतलब बहुत दुख हो रहा है कि एक देश के जवान का ऐसा घर है जो कि जिसपे पूरा 140 करोड़ आबादी चैन से सोता है, उसका घर ऐसा है, और जो चैन से सोने वाले हैं उसका घर बहुत अच्छा है। राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्र बचाने की बात होती है, मगर शहीद हो जाते हैं हमारे वीर जवान, मगर सब मौन बैठ जाते हैं। मौन बैठ ही जाते हैं। अभी नीतीश कुमार जी का ये आना चाहिए था, उनको यहाँ आना चाहिए था और ट्वीट करना चाहिए था, फेसबुक इंस्टाग्राम पे छोड़ना चाहिए था। अभी जो 4 जवान हमारे और शहीद हुए हैं, वहाँ पता करिए कि मुख्यमंत्री कहाँ थे, पहुँच गए, घर तक पहुँच गए, राशि भी दिए और हर जगह एक्टिव दिखे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं दिखे। ये नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री रहते तो मैं यही कहता, जो सही है जो सही है। यहाँ पे आपको एक्शन में रहना चाहिए था, हमारा जवान शहीद हुआ है, उनका घर तुरंत बनना चाहिए था और मुआवजा जो है योगी मॉडल जो है, योगी जी का वहाँ 50,00,000 रुपया मिलता है परिजनों को, और एक नौकरी और गांव का रोड उस शहीद के नाम से, वो तो यहाँ होना ही चाहिए। भैया स्मारक को लेकर बात करेंगे, वीर शहीद चंदन जिनका उनके पिताजी और भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार लाइव के माध्यम से बोल दीजिए कितना जल्द से जल्द स्मारक वहाँ पे बनाने वाले हैं। अच्छा आप ही हैं, अच्छा अच्छा मूर्ति भी बनाते हैं। तो लाइव में अभी हम फीट चाहेंगे भैया, एक सेकंड, अभी यहाँ पे समझ जाइए वीर शहीद चंदन सिंह के घर में भोजपुरी पर मगे के सुपर स्टार गुंजन सिंह जी यहाँ पे पहुंचे हैं और साथ में अभी 1,00,000 रुपया आर्थिक मदद भी किए हैं। इन्होंने कहा है कि जब हम आगे आ गए, मेरे जैसा अगर लोग पीछे पीछे आके अगर मदद करेंगे तो वीर शहीद चंदन भाई का घर बनने में देर नहीं लगेगा और 4 से 5 महीना में उनका घर बन जाएगा। और ये कैमरा ने इधर कीजिए, ये भाई साहब मूर्ति बनाते हैं, मतलब एकदम खड़े रहेंगे हम जब भी, हम भाई से बात होते रहता है पीयूष जी से, और ये घर पे भी मेरे आए हैं, मेरे विवाह में भी आए हैं कह रहे थे अभी, तो हम लोग का ये पारिवारिक रिश्ता है, भले रोज मिले या ना मिले लेकिन यहाँ जगह है दिल में, और जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ हम खड़े रहेंगे। और जन सैलाब के लिए कोई टेंशन नहीं है, पूरा जनता जनार्दन सब मेरे साथ है, और अभी इनको जरूरत है मदद की। और जो चांदनी चौक को शहीद चंदन सिंह चौक बनाया गया है उसके लिए सब लोग को मिलजुल करके वहाँ पे हम लोग एक ये बनाते हैं, हम तो अपनी तरफ से बना देते हैं, और डीएम साहब से भी इसके लिए मैं बात किया हूँ कि वहाँ पे हम बनवा रहे हैं, तो बोले प्रशासनिक से अगर होगा सरकारी से तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तो हमारा जितना खर्चा होगा हम बनाएंगे और हूबहू राइफल के साथ बनवाएंगे, एकदम जो जैसा शरीर था एक बार
ये कल बात हुआ था इनसे मेरा, कितना दिन में तैयार हो जाएगा? डेढ़ से दो महीने के अंदर मूर्ति तैयार, डेढ़ से दो महीने, इतना टाइम मत लगा। सवाल आपसे करना है सर, और जल्दी करिए। नारो मुराद जो द्वार है सर, क्या शहीद चंदन सिंह के नाम पर शहीद चंदन द्वार बनाया जाएगा सर? जरूर बनना चाहिए, बनाया जाएगा सर, एकदम एकदम सर। अगर सब लोग की सहमति होगी तो हम बना देंगे द्वार। एक परिवार उजड़ा है गुंजन जी, आपको नहीं लगता कि सरकार को पहल करनी चाहिए? क्योंकि एक पूरा परिवार उजड़ा है, एक आसियाना बसा बसा है, आसियाना उजड़ा है। शहीद चंदन सिंह जी की पत्नी को अगर आप देखें, मरमाहत है, एक घर उसका उनका भी उजड़ा है। क्या सरकार से इसके लिए आप बात करेंगे? एकदम करेंगे बात, और जहाँ तक होगा मदद हमसे सरकार को तो करना ही चाहिए। हमारा जवान शहीद हुआ है, जो पूरे देश के लिए दिन रात काम करने वाला व्यक्ति आज हम लोगों के बीच में नहीं है। और एक पिता, एक भाई, एक पत्नी पे क्या बीतता होगा, पूरे नवादा मतलब कि रो रहा है इस घटना से। जो जनसैलाब उमड़ा था शहीद के लिए, सोच लीजिए कि वो जनसैलाब कितना भारी जनसैलाब था, तो शहीद के लिए उमड़ सकता है तिरंगा। मतलब गाना भी है कि मिलेगा तिरंगा कफन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। तो तिरंगा में लिपट करके, लपेट करके लाया गया था, ये सबको नहीं मिलता है। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब क्या हम कहें, मतलब हम फ्लाइट खोजवाने लगे कि कोई फ्लाइट मिल जाए, 50,000 ले तो हम चल जाएंगे। लेकिन अब गाड़ी से हम आते 12 घंटा, जब तक हमको पता चला बात हुआ तो फिर हम सुबह आते, फिर सुबह आने का कोई मतलब नहीं था। फिर और शूटिंग जो चल रहा था उसमें भी भारी चल रहा था, उसका सीन सबका। फिर मेरा शूटिंग 2 दिन बाकी है, हम चले आए, अभी डायरेक्ट यहाँ पे ही पहुँच रहे हैं नारो मुराद। सर कल आए, शहीद चंदन सिंह जी के पिता भी हैं। चंदन सिंह जी से कब आखिरी कब बात है? सुन सकती है ना देख सकती है सर? 2-3 दिन पहले हुआ था बात, क्या माता पिता के बात हो रहा था? माता पिता के बात रोज हो ही रहा था। आपसे आखिरी बात क्या हुई थी? आखिरी बात तो यही बात हुआ कि पापा मार्च में हम आएंगे, अब मार्च में आकर के घर हम बनाएंगे। जब शहीद हुआ माता पिता तो छोड़ करके शहीदे हो गया, वो राज के लिए आने सका, अब घर तो अब बन नहीं सका। सरकार कितना आप लोगों के साथ खड़ी रही, दिलवाएंगे? जहाँ तक सरकार कितना, बिहार सरकार कितना, बिहार सरकार कुछ भी नहीं, कुछ मदद, कुछ भी मदद नहीं, नहीं उनका कोई नेता पहुंचा है, न जानन कुछ उसके तरफ से कुछ भी हमारा सहयोग नहीं, कुछ भी नहीं। अब तक कौन कौन आया है आप लोगों के इस दुख की घड़ी में साथ खड़े रहने के लिए? अब दुख की घड़ी में यहाँ तो अरुण बाबू थे, तो डॉक्टर आज स्थानीय सांसद पहुँचे हैं क्या आपसे मिलने के लिए चाचा? हमारा सांसद तो अभी नहीं पहुँचे हैं, जो चंदन बाबू सांसद जो है वो अभी तो नहीं पहुँचे हैं। स्थानीय सांसद भैया, क्या लग रहा है कि एक बेटा का कर्तव्य गुंजन सिंह निभा पाएंगे? भरोसा है इन पर जो आश्वासन दे रहे हैं? भरोसा तो हमने सब पर है, ऐसा बात क्योंकि भरोसा नहीं, भरोसा तो इन पर है। गुंजन सिंह पर भरोसा है? भरोसा है, एकदम भरोसा है, हाँ भरोसा है। क्या अब देखिए, क्या बात हुई, क्या आश्वासन गुंजन सिंह ने आपको दिया है? ये तो ये दिए हैं, 1 लाख तोपे हैं, उसके बाद में घर में कहे हैं कि हम जरूर मदद करेंगे, उसके बाद में स्मारक कहें कि हम बनवाएंगे, उसके बाद में रोड में कहे कि हम सब कुछ जो मंजू है सब करेंगे, जहाँ तक हम बोल रहे हैं हम वो करेंगे। गुंजन सिंह पर भरोसा? गुंजन पर भरोसा तो हमको भरोसा है। देखिए उनके भाई भी हैं, आखिरी जो बात हुई थी आपसे क्या हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? चंदन सिलेबम को बात होते रहता था, पढ़े हो कभी ड्यूटी जा रहा है, चाहे ड्यूटी से आता था भैया, इसमें प्रणाम पाती करके और जाता था भी था, और उससे बात उनको लगभग होते रहता था। जिस दिन आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी उनकी, उससे पहले बात हुई थी? हाँ, उससे पहले सुबह बात हुआ था उनसे। क्या आखिरी बात हुआ? भैया ठीक है, सब हम ड्यूटी पर जा रहे हैं, फिलहाल अभी खाना पीना खा लिए हैं, आप सबका परिवार खाता पता, परिवार सब ठीक है, इसे ठीक है जाइए, उसके बाद से फिर दोबारा आज के बाद। किस चीज़ की तैयारी सरकार से क्या मांग करते हैं सर? हम तैयारी अपना बस घर पर ही रहते हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते कितना पढ़े? सरकार से क्या मांग है सर? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। सरकार से क्या मांग है और क्या सरकार से मदद? सरकार से क्या मांग है सर आपकी? सरकार से क्या मांग है और क्या सरकार से कोई राहत, कोई मदद या सरकार का कोई जनप्रतिनिधि? देखिए मांगने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, इस घड़ी मांगा किसी को नहीं जाता है। अगर मांगने से अगर काम बनता तो बहुत सारे मांगना शुरू कर देता है।
इसे मांगने का क्या सवाल है, मांगने कुछ नहीं बनता। सरकार को अपने खुद उनका फर्ज है, इसी जैसे घर में वीर चला गया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सरकार को तो जगाना पड़ेगा ना, सरकार सरकार को तो जगाना पड़ेगा ना। सरकार के कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आए हैं? देखिए जगाना पड़ेगा क्या सभी लोग जो जो नींद में वही जागेंगे जो सोए हुए हैं, कभी मुर्दा को जा सकते हैं कभी भी। सरकार आया आप लोगों से मिलने अब तक? सरकार का कोई सरकार है कुछ प्रतिदूषण नहीं आया है, लोकल क्षेत्रीय जो थे उस लोग आए थे। गुंजन सिंह पहुंचे हैं, इन्होंने 1,00,000 रुपए की मदद भी की है, मगर इन पर कितना भरोसा है? क्या एक भाई की तरह गुंजन सिंह आपके साथ खड़ा रह सकते हैं? हाँ रह सकते हैं, ये मेरे निजी है, ये मेरे रिश्तेदार में लगते हैं, भरोसा खा रह सकते हैं। गुंजन सिंह ने सभी से कहा कि आप लोगों से लगातार बात हो रही थी, तो क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी कि भैया हम तो आप आएंगे, लेकिन मेरा भी कुछ मजबूरी सब मजबूरी रहता है, कभी तो बैठे हुए नहीं रहते हैं। अगर भैया भी अगर हैं अपना शूटिंग में लगे हुए रहते हैं, उनका ड्यूटी भी है, तो भैया ऐसा जगह थे कि उनको थोड़ा आने में लेट हो गया था, कल भी आने वाले थे, फ्लाइट लेट हो गया, फ्लाइट कोई कारण से अति हो गया थी, नहीं आ पाए। वर्तमान सांसद जिन्हें आप लोगों ने वोट दिया मत दिया, क्या इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ खड़े रहे वो? नहीं, इनका तो कोई अति अर्थ नहीं निकलता है कि सांसद महोदय क्या पता कुछ शब्द उसका नहीं कि हम बोल सके उनके बारे में। सांसद हैं क्या, सांसद है समझ में नहीं आता है उनके बारे में। क्या सांसद की तरफ से सांसद महोदय जब कुछ बातें नहीं है तो मदद क्या मिलेगा? है कि आप लोग जब धरना पर बैठे थे या शहीद चंदन सिंह जी को लेकर जो भी समर्थन में धरने में बैठे थे उन पर FIR हुआ, क्या सत्य है? हाँ, इस बात से हमको भी दुख होता है कि मदद करने का बात तो दूर है, अरे हमको मदद तो ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको सरकार से, हम आपको मांग नहीं रहे हैं, मेरे बहुत सारे भाई है, लेकिन मैं ही कहना चाहता हूँ सरकार से और थाना प्रभारी कहाँ पर भी, एक तो मदद भी नहीं है, अगर कोई मेरे पक्ष में अगर खड़ा भी है तो उनके नाम पर FIR करवाया जा रहा है, हाँ लोकली थाना प्रभारी करवाया जा रहा, करवाया गया है। मेरे गांव में बहुत सारे को 10 गो 20 गो का नाम मेरे गांव में पड़ा है और 150 आदमी को अज्ञात हुई नाम दिया गया है। आपने कहा करवाया जा रहा है? जी करवाया जा रहा है। कौन करवाया? ये तो पता हमको नहीं कौन करवाया जा रहा है, एक षडयंत्र रचा जा रहा है। तो देखिए हमने वो तस्वीरें तो आपको दिखाई है, मगर ये वक्त सभी की आंखें नम शहीद चंदन सिंह के घर पर हैं, और गुंजन सिंह पर उनके परिवार को भी पूरा भरोसा है, बेटा मान चुके हैं, और गुंजन सिंह ने 1,00,000 रुपए की मदद भी की है, मगर सवाल यह है कि जो लोग भी इस परिवार के साथ खड़े दिख रहे थे उन पर FIR भी करवाया जा रहा है, जैसा कि शहीद चंदन सिंह के भाई ने बताया। खैर स्टूडियो में इतना ही, कैमरा पर्सन जैगी के साथ मैं वसीम।